यस, चाय पकौड़े तो खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग चटनी ओवर योर स्कैल्प विल नॉट गिव यू हेयर। तो कौन कौन सी वो सारी चीजें हैं जो घर पे नहीं करनी चाहिए रेमेडीज के नाम पे? और फंगस क्या करता है, इट्स वेरी क्लेवर। जिधर आपने लगाया उसके बाकी आगे बढ़ जाता है। फेस वॉश इज फॉर फेस, सोप इज फॉर बॉडी, शैम्पू इज फॉर हेयर। ला अगर ओवर द काउंटर कोई ट्यूब मिल जाए या फिर कोई केमिस्ट ही कोई दवा बता दे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो है मॉनसून में स्किन केयर। उसके लिए आज हमारे साथ पटना की वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पल्लवी। हाय मैम। हेलो, हेलो एवरीवन। सो आज मैम से हम जानेंगे कि मॉनसून में कैसे अपनी स्किन की ध्यान रख सकते हैं हम, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल। सो चलिए अपने अम्ब्रेलाज रेडी रखिए और शुरू करते हैं इस फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन को। सो मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं मॉनसून बस आ ही गया है, सो पटना के यूथ को कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं? दैट इज़ सो ट्रू दैट मॉनसून्स आर हियर। सो इसीलिए आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मॉनसून्स में देर इज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, तो हमें ड्राइनेस का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज डैम्पनेस के वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। देन ऑफकोर्स फंगल इन्फेक्शन मीन्स नॉट ओनली ऑन द फेस और स्कैल्प, इट कैन हैपन टू अ होल बॉडी ऑल्सो। देन आपको एक्ने आउटबर्स हो सकते हैं, देन सम पीपल कैन अक्वायर स्केबीज ऑल्सो। सो येस, मॉनसून्स आर क्रिटिकल, दो दे आर ब्यूटिफुल, बट वेन इट कम्स टू डर्मेटोलॉजी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो मैम, सेलेब्स के लिए मॉनसून इज अ ग्लो, बट कुछ लोगों के लिए मॉनसून इज लिटरली अ हॉरर शो। मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्ने प्रॉब्लम्स दैट वी रियली फेस इन द मॉनसून टाइम, सो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दैट? येस, आई अग्री, सेलेब्स भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, बट येस दे टेक केयर ऑफ देयर स्किन, दे टेक केयर ऑफ देयर हेयर, दैट्स वाई उनको एक्ने प्रॉब्लम्स थोड़े कम होते हैं कंपेरेटिवली। सो राइट नाउ बेसिकली एज आई सेड कि देर इज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर ऑलरेडी, सो क्लेंजिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डबल क्लेंजिंग करनी है, आप सैल्सिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉशेज यूज़ कीजिए। देन ऑफकोर्स पीपल हैव अ नोशन कि अभी तो धूप नहीं है तो सनस्क्रीन क्यों लगाना है, प्लीज़ बी वेरी रिलीजियस विथ योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाइए, आप लाइटो वेट सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज सन है उधर ही है, इट्स जस्ट नॉट विजिबल ड्यू टू द क्लाउड्स, बट जो यूवीए रेज है वो तो डैमेज करेगा ही आपको। अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं देन ऑफकोर्स आप बहुत सारा एक्ने सेव कर रहे हैं। ओके मैम, सो अब बात करते हैं हम उस प्रॉब्लम की जो बहुत सारे मिडिल क्लास फेस करते हैं, विच इज़ फंगल इन्फेक्शंस। वो लोग डॉक्टर्स को नहीं दिखाते और खुद से घर में कुछ भी रेमेडीज कर लेते हैं। सो मैम, हाउ टू केयर दैट फंगल इन्फेक्शन? येस, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है कि हमें रियलाइज नहीं था इनिशियली, बिकॉज थोड़ा सा रैश जैसा दिखता है पहले, छोटे छोटे दाने बनते हैं, सर्कुलर रैशेस हो सकते हैं, बालों में भी छोटे छोटे दाने बन गए अगर, और इट इज़ एसोसिएटेड विथ इचिंग। ओके, सो वी ऑफन थिंक कि अगर ओवर द काउंटर कोई ट्यूब मिल जाए या फिर कोई केमिस्ट ही कोई दवा बता दे, बहुत सारे लोग सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक्स मतलब जिससे खुजली कम होती है वही दवा खा के, ऑब्वियसली उससे आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, आपकी इचिंग थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाएगी। और फंगस क्या करता है, इट्स वेरी क्लेवर, जिधर आपने लगाया उसके बाकी आगे बढ़ जाता है। ओके, ओके, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, एंड प्लीज़ अगर छोटा सा भी रैश है, इच है, यू हैव हर्ड ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, राइट? सो अगर टाइमली आप अपना फंगल इन्फेक्शन ठीक कर लेंगे तो आपको ये आगे के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही नहीं। सो मैम, मॉनसून आए और बाल फ्रीजी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मैम, बालों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? बाल, यस, एक्चुअली मॉनसून के टाइम पे ना हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है कि हेयर बल्ब थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है बाहर से, तब भी बाल गिर जाते हैं। बाल गिरने की तो बहुत सारे और भी वजह है, हार्मोनल लॉसेस की वजह से, न्यूट्रिशनल इश्यूज़ की वजह से। ए, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेयर, अगैन दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। देन अगैन वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस एंड
so much of drama going on every day. So that is also one of the reasons. हम generally तभी aware होते हैं जब ज़्यादा hair loss होती है, ठीक है? And when it comes to monsoons, of course, as I said, कि अगर बारिश में भीग गए हैं, बाल भीग गए हैं, तो sweat तो है ही ना, sweat. और उस condition को अगर आप dry कर लेते हैं, तो हमारे scalp से automatically भी बहुत सारा तेल निकलता है, ठीक है? और उस पे पानी चला गया है, it has become a nice moist mixture. अगर हम उसे wash नहीं करेंगे, now fungus has a food, so this will grow. राइट सो इसीलिए आप भीग गए हैं प्लीज गो फॉर अ हेड वॉश विथ हेड वॉश आई मीन अ गुड शैम्पू वॉश ओके शैम्पू शुड बी लेस सल्फेट कंटेनिंग एंड वीक में एक दिन आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू कीजिए किटोकोनाजोल साइक्लोपेरेक्स ओलेमाइन बहुत सारे डिफरेंट अवेलेबल है शैम्पूज जो आप कर सकते हैं ओके और बाकी हफ्ते में 4 दिन शैम्पू करना है कभी भी गंदे बालों में तेल मत लगाइए वो भी फंगस का कॉज हो सकता है छोटे छोटे दाने बनने का कॉज हो सकता है स्कैल्प में सो एंड देन कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशनर इज़ नॉट अ लग्जरी एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए बना है लड़कों को भी लगाना है ठीक है तो कंडीशनर लगाने से वो हेयर को प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम हीट से और हेयर को फ्रिजी होने से रोकता है एंड देन हेयर का क्वालिटी इम्प्रूव करता है तो कंडीशनर को इग्नोर मत कीजिए आई हैव इंट्रोड्यूस्ड स्किन केयर एंड हेयर केयर टू माई ब्रदर टू माई हस्बेंड यू नो सो येस दैट हैपेंस बट मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है फेस वॉश इज फॉर फेस सोप इज फॉर बॉडी शैम्पू इज फॉर हेयर जादू थोड़ी है इतना तो आप कर सकते हैं कंडीशनर लगाइए वो भी इम्पोर्टेंट है एंड ऑयल लो स्पेशली मैन तैयार होने के बाद दे पुट ऑयल इन हेयर हेयर नो वो फ्रिजी नहीं दिखेगा सेट हो जाएगा ऐसे ही करते हैं ना हाँ पर ऐसे करना नहीं होता है अच्छा ऑयल हमेशा स्कैल्प में लगा के नहीं रखना होता है देयर आर वेरियस अदर थिंग्स हेयर मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो एंटी फ्रिज का काम करते हैं प्लस स्टिकी नहीं होते हैं क्योंकि अगर पूरे टाइम ऑयल लगा रहेगा बाल में तो आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं डर्ट पिलिटन सब अट्रैक्ट करके वो वहाँ जम जाएगा इनकेस यू आर नॉट वॉशिंग इट देन मिक्सिस विथ योर स्वेट देन आई टोल्ड यू एक अच्छा सा मिक्सचर बनेगा ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा मैम बहुत सारे लोग बजट फ्रेंडली स्किन केयर करने के चक्कर में बहुत सारे अपने घर के किचन के प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड बना लेते हैं फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको बहुत ही हार्श रिजल्ट्स दिखते हैं अपने फेस पे अपने बॉडी पे सो कौन कौन सी वो सारी चीजें हैं जो घर पे नहीं करनी चाहिए रेमेडीज के नाम पे दैट इटसेल्फ इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि सी वी ऑल हैव एक्सेस टू इंटरनेट वी ऑल हैव एक्सेस टू ऑल द DIYs बाय द इन्फ्लुएंसर्स पॉसिबल पीपल आर कॉलिंग देम स्किन इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो दीज डेज आई हैव सीन फ्यू वीडियोज गॉड ब्लेस देम बट सी जो चीज़ आपके खाने के लिए है वॉट एवर इज ऑन योर डाइनिंग टेबल प्लीज ईट दैट दैट इज मेंट फॉर योर गट ओके क्योंकि जो भी चीज़ डाइनिंग टेबल पर है उसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है वो आप अगर रब कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर मे बी इनिशियली हनी लगा रहे हैं पपाया लगा रहे हैं और डिफरेंट फ्रूट्स को मैश करके लगा रहे हैं और कुछ लोग तो पोटैटो भी लगा रहे हैं सम पीपल आर यूजिंग गार्लिक ओवर देयर हेयर सम पीपल आर यूजिंग अनियन जूस ओवर देयर हेयर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग बट Please, that will just not create the kind of impact you want to. There was one patient who had applied like garlic and onion together mixed over the scalp to grow hair. So my question is that ki applying chutney over your scalp will not give you hair. Kuch log vitamin E capsules cut karke laga lete hain. It is a capsule. It is meant to be taken orally. Why do you have to apply it? Over your face, vitamin E खा लीजिए ना बहुत अच्छा है इट्स वेरी गुड इट्स अ वेरी इट हैज़ वेरी नाइस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो लगाने के लिए देर आर वेरियस क्रीम्स लोशन सीरम्स अवेलेबल जो आपके स्किन टाइप को देख के आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कस्टमाइज करके देंगे वॉट एल्स डू यू वॉन्ट सो मैम बारिश होती है और लोगों को चाय और पकौड़े चाहिए होते हैं सो मैम कोई ऐसे भी फूड्स या ड्रिंक्स हैं जो मानसून में हमारे स्किन हेल्थ को बूस्ट कर सकते हो
यस, चाय पकौड़े तो खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू बी इन प्रोपोर्शन. एंड व्हेन इट कम्स टू स्किन हेल्थ, वी नीड वाइटामिन सी कंटेनिंग ड्रिंक्स. आप ले सकते हो, आप स्मूदीज ले सकते हो जिसमें आपके फेवरेट सीजनल फ्रूट्स डाल के आप पी सकते हो. एंड ऑफ कोर्स कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड. यू कैन हैव ग्रीन टी ओकेजनली और वंस डेली, नो प्रॉब्लम. एंड देन ऑफ कोर्स वाटर, hydrate yourself as much as you can, that is also important. Khane ke liye go for something which is not that oily, okay, and that spicy. Moderation mein cheeze karne se problem nahi hai. So hum log ye bol sakte hain ki jaisa cheeze hum log khayenge waisi skin hamari hogi. Yes, of course. Ma'am, what are your views on detox water jo abhi bahut sare log use karte hain, pani mein bahut kuch dal ke? Yes, अल्कलाइन वाटर बोलते हैं ना उसे. ओके, अल्कलाइन पानी पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है. एंड वंस योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ गुड, ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पानी आप ऐसे नहीं पी सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि दिन में 4 लीटर पानी पियो तो लोग सोचेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाल देने से इट एड्स लिटिल टेस्ट ऑल्सो टू द वाटर एंड यू थिंक यू आर ड्रिंकिंग समथिंग एल्स. सो इट्स quite beneficial also for your gut, for your gut health. Yeah, one can go for it, no problem. But again, apple cider vinegar, कुछ भी बहुत सारी acidic चीज़ें उसमें मत डालिए. Acidic चीज़ें डालने से you can have GI issues also. So friends, ये था हमारा एक sensational interview with Dr. Pallavi. So monsoon में भीगना is all good, भीगो, but skin का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. So thank you very much for joining us. Thank you, ma'am, for being with us and answering all our questions. Thank you. It was fun. I never realized that, you know, actually we are shooting this. It was just a very nice one-on-one conversation. I hope people get something good out of this conversation. Sure, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you.